पोर्नोग्राफिक वीडियो अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार हुई गंदी बात की गहना वशिष्ठ। पोर्नोग्राफिक वीडियो के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात में काम कर चुकी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार किया है। गहना 10 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रहेंगी। हिरासत में लिए जाने के बाद गहना वशिष्ठ सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गई हैं। यूजर्स गहना को सर्च कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें और वीडियोज सर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि गहना मिस एशिया बिकनी का ताज भी जीत चुकी हैं और कई एड फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इससे पहले शनिवार को भी गहना से इस मामले में पूछताछ की गई थी। गहना वशिष्ठ की गिनती बोल्ड एक्ट्रेस में की जाती है। गहना का इंस्टाग्राम देखें तो यहाँ उन्होंने अपने फैंस के लिए काफी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। इंस्टाग्राम पर गहना के करीब 9 लाख फॉलोवर्स हैं। हालांकि गहना सिर्फ 18 यूजर्स को ही फॉलो करती हैं। वहीं उन्होंने अभी तक 3499 पोस्ट किए हैं। गहना का इंस्टाग्राम चेक करने पर पता चलता है कि वो हर सुबह शाम अपना खास तस्वीरों या वीडियो के साथ फैंस को गुड मॉर्निंग विश करना नहीं भूलती। दोस्तों आपको बता दें कि गहना वशिष्ठ सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। गहना का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है जहां पर टीवी सीरियल और वेब सीरीज की शूटिंग के नाम पर ये अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं और वहीं इंटरनेट पर अपलोड किए जाते हैं। क्राइम ब्रांच ने अभी तक इस मामले में कार्रवाई करते हुए अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इस प्रोडक्शन हाउस में 87 अश्लील वीडियो शूट किए जा चुके हैं। मामले की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार इस वीडियो को अपलोड करने के लिए सब्सक्रिप्शन भी लेना होता था, जिसके लिए लोगों से 2000 रुपये का भुगतान कराया जाता था। इसी के जरिए गहना और उनकी टीम पैसा कमा रही थी। तो दोस्तों गहना वशिष्ठ पर अब आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने करीब 87 एडल्ट वीडियो अपलोड किए हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग गहना वशिष्ठ को नहीं जानते होंगे कि गहना वशिष्ठ कौन है। गहना वशिष्ठ एक अभिनेत्री हैं और उनका असली नाम वंदना तिवारी है। गहना वशिष्ठ मूल रूप से छत्तीसगढ़ के चिमरी गांव से हैं और गहना को शुरू से ही अभिनय और मॉडलिंग में रुचि थी। उन्होंने साल 2012 में मिस एशिया बिकनी का खिताब भी अपने नाम किया था। गहना ने कई विज्ञापनों में भी काम किया है। इसके अलावा हिंदी और तेलुगु सिनेमा में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। गहना कई बार पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। ये पहला मौका नहीं है जब गहना वशिष्ठ सुर्खियों में हो। इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुकी हैं। उनके एक फोटोशूट की वजह से उनके साथ मारपीट भी की गई थी। साल 2020 में गहना वशिष्ठ उस समय सुर्खियों में आई जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गहना ने इस वीडियो में अपनी कमर के नीचे तिरंगा लपेटा हुआ था और इसी के साथ वो काफी इरोटिक अंदाज में पोज दे रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही काफी खलबली मच गई थी, जिसके बाद मुंबई में कुछ लोगों ने गहना के साथ मारपीट भी की थी। इस वीडियो पर गहना ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि ये वीडियो उनके किसी दोस्त ने अपलोड किया है। हालांकि इसे उनका पब्लिसिटी स्टंट भी माना जा रहा था। इसके अलावा साल 2019 में गहना वशिष्ठ शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गहना कई घंटों से लगातार बिना कुछ खाए पिए शूटिंग कर रही थी, जिसके चलते वो बेहोश हो गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि गहना ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात में नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने स्टार प्लस के धारावाहिक बहने में काम किया था। गहना वशिष्ठ अब तक करीब 80 विज्ञापनों में काम कर चुकी हैं, साथ ही 30 साउथ की फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। उन्होंने बड़े पर्दे पर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में युवराज सिंह और अतुल बासन के एक शो को भी होस्ट किया था। उनके इस शो को फैंस का भरपूर प्यार भी मिला था। एक बार फिर गहना वशिष्ठ सुर्खियों में है। गहना के ऊपर एक वेबसाइट पर एडल्ट वीडियो शूट कर अपलोड करने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पुलिस के पास गहना वशिष्ठ के 87 एडल्ट वीडियो है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि गहना वशिष्ठ इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रही हैं, क्योंकि उनका विवादों से पुराना नाता है। कई बार उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। शुक्रिया।